सूर्यदेव, मुझसे ही धरती का जीवन चलता है। पेड़ पौधों, पशु पक्षी, देव दानव सभी मुझसे ही पोषित और पालित होते हैं। यदि मैं उगना बंद कर दूं, सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए देवों को यह मान लेना चाहिए कि देवताओं में प्रथम पूजनीय देव की उपाधि सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, और इसका प्रमाण आज मैं स्वयं देता हूं। आज हम इस पौधे की सेवा कर रहे हैं, कल यही पौधा वृक्ष बनकर हमारी सेवा करेगा अपने फल फूल और घनी छांव से। हाँ स्वामी, मैं तो कहती हूँ हर मनुष्य को जीवन में 100 वृक्ष लगाने चाहिए, ताकि ये धरती भी बची रहे और हम सभी मनुष्य भी। किंतु आज अकस्मात इतनी उष्णता क्यों हो रही है? क्या तुमने भी अनुभव किया? हाँ स्वामी, मुझे भी तीव्रता उष्णता का आभास हो रहा है, और अब तो देह भी जलने लगी है। शीघ्र चलो यहाँ से, न जाने क्यों सूर्य का ताप अचानक से बढ़ने लगा है। भीषण उष्णता होगी धरती लोक पर। सूर्यदेव को लगा कि उनके ताप से जब भूलोक पे भगदड़ मचेगी तो उनकी बात त्रिदेवों तक पहुंच जाएगी, परंतु उसके पहले ही कुछ ऐसा हुआ। सूर्यदेव को क्या लगता है कि उनकी उष्णता का काट किसी के पास नहीं? देवराज इंद्र हूं मैं, अभी सूर्यदेव का भ्रम दूर कर देता हूं, और ये प्रमाणित कर देता हूं कि सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय देव मुझे ही माना जाना चाहिए। अचानक भीषण गर्मी और तीव्रता से ये वर्षा, ये स्वामी हो क्या रहा है? कदाचित ये मौसम के प्रभाव से नहीं हो रहा है, अवश्य ही ब्रह्मांड में कुछ और ही घटित हो रहा है। मैं वायुदेव 49 मारुत गणों का देवता, यदि मुझे सर्वप्रथम देवताओं में पूजनीय स्थान नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा। मैं अपनी वायु शक्ति से सब कुछ छिन्न भिन्न कर सकता हूं। छोड़ना मत, न जाने सृष्टि में कैसी उथल पुथल मची है जो थमने का नाम ही नहीं ले रही। ये अवश्य ही किसी विनाश का संकेत है स्वामी। हाँ हे भगवान, हमारी रक्षा करना। सभी देवों में अपने आप को श्रेष्ठ देव कहलाने की होड़ मची हुई थी। किसी को भी तनिक भी चिंता नहीं थी कि वो इससे प्रकृति को कितनी क्षति पहुंचा रहे हैं। अंतः महादेव ने सबको शांत किया।
सारे देवताओं को कैलाश बुलाया। असीम शक्तियों के सहारे छोटे कार्य करना कोई बड़ी बात नहीं है देवगणों। बड़ी बात तब होगी जब कोई छोटी शक्ति के सहारे आप कोई बड़ा कार्य करके दिखाएं। आप लोगों को शक्तियां इसलिए प्राप्त हुई है ताकि आप जगत का कल्याण कर सके, ना कि अपने अहंकार की तुष्टि में उनका प्रदर्शन कर मानवों को कष्ट पहुंचा सके। इस भीषण आपदा के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं महादेव। हाँ प्रभु, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कीजिए। कदाचित हमारे मन में ऐसे विचार आने ही नहीं चाहिए थे महादेव, कि हम देवताओं में कौन प्रथम पूजनीय है। मन का कार्य यही है कि बहुत सारे विचार उत्पन्न करना, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, किंतु वो विचार जो हमें प्रभावित करते हैं उस पे सदैव ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों के मन में जो आज विचार उत्पन्न हुआ है वो निराधार नहीं है, इसलिए इस समस्या का निवारण भी होना चाहिए कि प्रथम पूज्य देवता किसे माना जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा महादेव? हम हर प्रकार की परीक्षा देने के लिए तत्पर हैं प्रभु। इसके लिए आप सभी देवताओं को ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी होगी, और इसके पश्चात जो भी देवता मेरे समक्ष सबसे पहले आएगा वही प्रथम पूज्य देवता घोषित किया जाएगा। तो फिर स्वामी, फिर तो हमारे पुत्र कार्तिक को भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। किंतु वो यहाँ कैलाश में उपस्थित नहीं है देवी, वो असुरी शक्तियों से युद्ध में व्यस्त है। जानती हो स्वामी, परंतु मेरा हृदय कह रहा है कि कार्तिके कल अवश्य आएगा। स्वामी अब कृपया इस प्रतियोगिता को कल रख लीजिए ना, ताकि मेरा पुत्र कार्तिके इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले सके। मैं एक माँ की भावना को समझ सकता हूँ देवी, आपकी ममता भी धन्य है। माता का कहना उचित है, हम कल यहां पुनः उपस्थित हो जाएंगे प्रभु। प्रणाम। और फिर अगले ही दिन से सभी देवता पुनः कैलाश पहुंच गए। अकस्मात प्रभु महादेव कहां चले गए? और माता पार्वती भी कहीं दिखाई दे रही है? क्या बात हो सकती है? अब मैं आपको पकड़ता हूँ, चलिए भागिए मूषक जी। पार्वती नंदन गणेश जी को हम सभी देवताओं का प्रणाम। प्रणाम देवगणों, क्या आप हमारे साथ पकड़म पकड़ाई का खेल खेलेंगे? क्षमा करें गणेश जी, हम तो यहाँ एक प्रतिस्पर्धा के लिए आए हैं। प्रतिस्पर्धा? जी हाँ गणेश जी, प्रतिस्पर्धा। किंतु माता पार्वती और महादेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आप तनिक प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी जाकर माता श्री और पिताश्री को सूचित करता हूँ। और मूषक जी आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। मुझे समझ नहीं आता, महादेव के पुत्र होकर भी गणेश जी ने एक छोटे से मूषक को अपना वाहन क्यों चुना? बेचारा मूषक, कदाचित इसके भाग्य में अवश्य लिखा होगा कि ये खुद से सहस्त्रों गुना ज्यादा वजन ढोता हुआ फिरेगा। मुझे आभास हुआ था आज मेरा पुत्र अवश्य आएगा, परंतु वो नहीं आया। हमारा पुत्र कार्तिकेय युद्ध में व्यस्त है देवी, इसलिए वो यहां नहीं आ पाया। किंतु आप दुखी मत होइए, वो एक प्रकार से अपना कर्तव्य निभा रहा है। स्वामी, मेरा पुत्र सारी सृष्टि के लिए कर्तव्य निभा रहा है, परंतु एक माँ के हृदय का क्या स्वामी,
क्या वो अपने पुत्र से कोई आंस भी नहीं रख सकती? मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ देवी। यदि आप समझते तो मेरे पुत्र को इस प्रकार दूर नहीं भेजते स्वामी, जहां मेरे पुत्र को मेरी पुकार तक नहीं सुनाई दे रही है। आज मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था कि मेरा पुत्र आएगा और सभी देवता गणों के साथ प्रतियोगिता में भाग लेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मेरा पुत्र नहीं आया स्वामी। कदाचित माता इसलिए दुखी है कि उनका बड़ा पुत्र अर्थात भैया कार्तिकेय इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने नहीं आ पाए, इसलिए माँ दुखी है। परंतु माता ने मेरे विषय में क्यों नहीं सोचा? मैं भी तो उनका पुत्र हूँ। कदाचित इसलिए कि वो अभी भी मुझे एक अबोध बालक ही समझती हैं। फिर क्या हुआ गुरुदेव, कार्तिकेय जी तो आए नहीं? इसीलिए तो महादेव ने माता पार्वती को मना लिया था और इसके पश्चात देवताओं की प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। मूषक जी, आप तो समझ ही रहे हैं भैया कार्तिकेय के ना आने के कारण मैया कितना दुखी हैं। लेकिन इसके पश्चात भी मुझे प्रतिस्पर्धा में भाग लेना ही होगा, इसलिए मैंने ये युक्ति लगाई है। हार हो या जीत, भैया की ओर से हमें ही इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो फिर चलिए आगे बढ़िए। ये तो अपने गणेश जी हैं, किंतु ये कहाँ जा रहे हैं? कहीं ये देवताओं के पीछे? माता को शीघ्र ही सूचित करना होगा। इस प्रतिस्पर्धा में विजेता मैं ही रहूंगा। पहले अपनी गति तो बढ़ाए इंद्रदेव, कुछ ही देर में ज्ञात हो जाएगा कि विजयी कौन होगा। इंद्रदेव को पीछे छोड़ देने का अर्थ ये नहीं सूर्यदेव कि आप मुझसे भी आगे निकल जाएंगे। विजेता तो मैं ही रहूंगा। देवगणों, मैं भी आपके पीछे हूँ, आ ही रहा हूँ। अब ये गणेश जी हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? क्या मेरा पुत्र गणेश सभी देवता गणों के साथ प्रतिस्पर्धा में भाग लेने गया है? वो तो अबोध बालक है, किसने भेजा उसे? प्रतीत होता है गणेश जी को ये ज्ञात हो गया था कि कार्तिकेय जी के न आने से आप अत्यंत दुखी हैं। कदाचित गणेश जी ने इसलिए ये निर्णय लिया होगा। किंतु मेरा पुत्र गणेश, वो तो छोटा सा है, अबोध है, कहीं उसे मार्ग में कुछ मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे कुछ करना होगा। माते, अंततः सभी देवता प्रथम पूज्य बनने की होड़ में लग ही गए। पता नहीं अब किसके भाग्य में विजेता बनना लिखा है। नारायण नारायण। किंतु मैं ये क्या देख रहा हूं, गणेश जी अपने मूषक के संग? किंतु ये कैलाश से इतनी दूर क्या कर रहे हैं? नारायण नारायण। पुत्र गणेश, रुको रुको रुको, कहाँ की सवारी निकली है आपकी?
प्रणाम ऋषिवर। सवारी नहीं, मैं तो देवताओं के साथ प्रतिस्पर्धा में भाग लेने निकला हूँ। देवताओं के संग प्रतिस्पर्धा? किंतु आपको इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी शिवनंदन? माँ के दुखों को कम करने के लिए देवऋषि। मैं कुछ समझा नहीं गजानन। माँ चाहती थी कि भैया कार्तिकेय भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले, किंतु भैया जब युद्ध से लौटे ही नहीं तो माँ दुखी हो गई। समझ गया। और आप माता को दुखी नहीं देख सकते, है ना? हाँ देवऋषि, इसीलिए मूषक राज को साथ लेकर मैं भी इस प्रतिस्पर्धा के लिए निकल पड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है, किंतु अब आप लौट जाइए, अन्यथा आपकी माता और भी चिंतित होंगी। किंतु प्रतिस्पर्धा के नियम के अनुसार मुझे भी तो सृष्टि की एक परिक्रमा पूरी करनी होगी ना देवऋषि। आपने अपनी माता के लिए इतनी बड़ी बीड़ा उठाई, देखकर अच्छा लगा पुत्र। वैसे भी माता को धरती और पिता को आकाश कहा जाता है, और जब दोनों मिल जाएं तो ब्रह्मांड कहलाता है। आपका कल्याण हो पुत्र। नारायण नारायण। चलिए मूषक राज। माता को धरती और पिता को आकाश कहा जाता है, और जब दोनों मिल जाएं तो ब्रह्मांड कहलाता है। अरे अरे रुकिए मूषक राज जी, अब हम आगे नहीं अपितु पीछे जाएंगे, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ देवऋषि की पहेली। शीघ्रता कीजिए। देवर्षि नारद ने पार्वती नंदन को पहेली के रूप में जो सुझाव दिया था वो उसे भली भांति समझ चुके थे, इसीलिए तो गणेश जी प्रतिस्पर्धा छोड़ सीधा कैलाश पहुँच गए। किंतु गणेश जी को अकस्मात क्या समझ में आ गया था गुरुदेव जो नारद जी ने उनसे कहा था? स्वामी अपने नेत्र खोलिए, हमारा पुत्र गणेश देवताओं के पीछे कैलाश छोड़कर ना जाने कहीं दूर चला गया। हमें बहुत भय है स्वामी, हमारा छोटा सा बालक गणेश कहीं ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में खो ना जाए। प्रभु नेत्र खोलिए, हमें हमारे पुत्र गणेश को कैलाश में वापस लौटा के लाना होगा। नेत्र खोलिए स्वामी। आप चिंतित मत होइए देवी, गणेश शीघ्र ही लौट जाएगा। चिंतित कैसे ना हो स्वामी। माँ मैं आ गया। माँ पुत्र पुत्र मेरे पुत्र पुत्र मुझसे बिना पूछे कहाँ चले गए थे? तुम्हें ज्ञात है मैं कितने चिंतित हो गई थी। क्योंकि मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहता था माँ। भैया कार्तिकेय नहीं लौटे तो क्या, आपका दूसरा पुत्र है ना, मैं करूँगा आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति। मेरे पुत्र हमें तुम पर गर्व है। आप जाइए माँ, पिताजी के समक्ष बैठिए। किंतु क्यों पुत्र? अरे आप बैठिए तो मैं बताता हूँ। अरे पुत्र एक असुर मारा जाता है तो दूसरा उठ खड़ा होता है। अच्छा हुआ ये युद्ध समाप्त हो गया। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे माता मुझे स्मरण कर रही हूं। मुझे शीघ्र ही कैलाश पहुंचना होगा। अरे अरे पार्वती पुत्र कार्तिकेय, रुकिए रुकिए रुकिए, युद्ध से लौट आए आप? हाँ प्रणाम देवऋषि। कल्याण हो, विजयी होकर लौटे हो। अगर आपकी विजय श्री दुगनी हो जाए तो आपकी माता श्री को और अधिक प्रसन्नता होगी। मैं कुछ समझा नहीं देवऋषि। वही तो समझाने आया हूँ।
ध्यान से सुनिए आप। पुत्र, हमें बताओ तो तनी, तुम चाहते क्या हो? प्रतीत होता है पुत्र गणेश को हमसे वर चाहिए। वर नहीं पिताश्री, मुझे तो बस आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। माता और अपने अनुज गणेश के लिए आपको इस प्रतिस्पर्धा में अवश्य हिस्सा लेना चाहिए। आप कदाचित उचित कह रहे हैं देव ऋषि। अभी मैं चलता हूं, कहीं इस प्रतिस्पर्धा में पीछे ना रह जाऊं। प्रणाम। कल्याण हो वत्स। नारायण नारायण।